नदी पर बना नरवर मगरोनी पुल भी टूट गया है। शिवपुरी के मगरोनी से डबरा के नरवर को यह पुल जोड़ता था जो कि टूट गया। सिंध नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस नदी पर बने अभी तक 3 पुल बह गए हैं। तो सिंध नदी पर बने अब तक 3 पुल बह गए हैं, वही दूसरी तरफ नरवर मगरोनी पुल भी टूट गया है। शिवपुरी के मगरोनी से डबरा के नरवर को ये पुल जोड़ता था जो कि इस बाढ़ की चपेट में आ गया। पानी के तेज बहाव के चलते पुल टूट गया है। सिंध नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिसके चलते लोग तो खासे प्रभावित हो ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब तक 3 पुल बह गए हैं। सिंध नदी पर बने 3 पुल अब तक बह चुके हैं और अब नरवर मगरोनी पुल भी टूट गया है। संवाददाता राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जानकारी के लिए जुड़ गए। राजेश, क्या कुछ जानकारी? सिंध नदी पर बने अब तक 3 पुल बह गए और दूसरी तरफ अब नरवर मगरोनी पुल भी टूट गया है, ये बताता है कि इस वक्त हालात कितने भीषण है भांडेर में। ये नरवर का ये जो पुल बना था, ये पार्वती जो सहयोगी नदी है सिंध नदी की, पार्वती नदी कहते हैं इसको, इस पर बना था और ये कुछ क्षेत्र शिवपुरी का और डबरा का ये क्षेत्र जोड़ के ये निकलता था। तो ये जो नरवर एक प्रसिद्ध जगह है, उस जगह लोग, बड़ा मंदिर है वहाँ पे, लोग आते थे और ज्यादातर ये जो नुकसान हुआ है सिर्फ पुल बहे हैं, क्योंकि प्रशासन अलर्ट चल रहा था और प्रशासन की ये अलर्ट जो व्यवस्था थी उस वजह से वहाँ पे जनहानि तो कुछ नहीं हुई है, लेकिन जो पुल के आसपास जो घर बने थे उनको खाली करा लिया गया था। वो कच्चे पुल जरूर घर सॉरी जरूर बह गए हैं और कुछ जो पशु वगैरह थे तो पशुओं को भी दूर ले जाया गया था। जो आवारा पशु थे उनका नहीं कह सकते हैं कुछ बह गए हों पानी में, अन्यथा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है स्थिति को देखते हुए। फिलहाल राजेश शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो किसी के हताहत होने की खबर हालांकि नहीं आई है, लेकिन स्थिति को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लोगों को पुल के आसपास जो गांव बसे हुए हैं वहां से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इधर पोहरी में कूनो नदी का जलस्तर बढ़ गया है। 100 साल पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। श्योपुर को पोहरी, ग्वालियर और शिवपुरी से जोड़ने का काम ये पुल करता था, लेकिन ये पुल भी अब क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि नवीन पुल का निर्माण कार्य जारी है। तो पोहरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कूनो नदी का जलस्तर तेज बारिश के चलते बढ़ गया है। नदी अपने उफान पर है और जिसकी चपेट में ये 100 साल पुराना पुल आ गया है जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है।